कैसा लग रहा है? मैंने पहली बार बनाया है। अरे अरे ज्यादा मत डाल, उसे सिर्फ बेहोश करना है, उसे मारना नहीं है। भोली सूरत पर इरादे खतरनाक। आप यकीन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र शोलापुर की रहने वाली पारुल सालेलकर नाम की ये लड़की बस महीने भर पहले तक एक पढ़ने लिखने वाली स्टूडियस लड़की थी, एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी जिसने अपराध करना तो दूर, उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा, बल्कि बचपन से ही परियों की कहानी की जगह अपने पिता से अपराधियों के पकड़े जाने की कहानियां सुनती आई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि महज एक महीने के अंदर इतना बड़ा बदलाव? सोचकर ताजुब होता है। पर पढ़ाई के नाम पर सोलापुर से मुंबई पहुंचने वाली पारुल अपराध की ABCD का पाठ कैसे पढ़ने लगी? अरे आज तुम इतनी होशियार साले, हाय सालो। नाइट शिफ्ट में ऐसे ही होता है। मी पानी क्यों नहीं देते? हाँ देखो मैं आपके लिए क्या लाई, सरप्राइज। अरे थाम गा, सांस तो लेने दे, अभी तो आए हैं वापस। तो पढ़ना तो आप तो ऐसे कह रही हो आई जैसे मैंने बाबा का ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया। कब बस बाबा, ठीक है आप पी लो अपना H2O, उसके बाद मेरी गुड न्यूज से अपना टेंशन की सारी एयर पोल्यूशन को खत्म कर दो। जल्दी बोल। आपकी बेटी को मुंबई के सेंट सेबेस्टियन कॉलेज में एडमिशन मिला है, और ये देखो एडमिशन लेटर। अब आपकी बेटी इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में जाएगी और अपने झंडे गाड़ेगी और इस घर का फाइनेंस भी सुधारेगी। स्कॉलरशिप मिली तुझे क्या? वो तो अभी कंफर्म नहीं है बाबा, पर मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ, मेरी स्टडीज में आपका इन्वेस्टमेंट हम सबका फ्यूचर ब्राइट कर देगी। बस 18,000 ही एडमिशन की फीस है। CA करना चाहती है, और एक कांस्टेबल की तनख्वाह कितनी होती है तुझे मालूम नहीं? सोलापुर के गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ ले, बिना स्कॉलरशिप के मेरी हैसियत नहीं है तुझे मुंबई भेजने की। जितनी चादर हो उतनी पैर निकाल। यही सोच है जिसकी वजह से आप आज भी कांस्टेबल के कांस्टेबल हो। अरुल काहे मरतेस तू? एहसान मान अपने बाबा का कि तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, वरना इस दुनिया में ऐसे भी पढ़े जो लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजते। पर आई मैं तो ऐसी लड़की नहीं हूं ना जो अपने सपनों से समझौता कर ले। अरे पारुल अगर नहीं बोलती थी चश, अगर मतलब माहित है तेरे मन में क्या है, लेकिन ऐसी जिद का क्या फायदा बेटा जो तेरे आई बाबा को तकलीफ थे। और फिर तू ऐसे क्यों सोचती है कि तुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? पापा है ना, पापा पे भरोसा है ना, तुझे स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। पारुल अब तुझे याद है जब तू छोटी सी थी तो मैं तुझे गाना सुनाती थी, याद है तुझे? नन्नी सी दुनिया के नन्ने मुन्ने सपने, दो कदमों पे चलना है पर सच को चुनना है, कोशिश के तिनकों से नई सोच को बुनना है, पर इस धरती पे रहते रहते आसमान को छूना है। आई अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इस तरह के गानों से बहल जाऊंगी। अब मैं अपनी लाइफ की थीसिस खुद ही लिखूंगी, और देखना ये स्कॉलरशिप तो मैं ला कर ही रहूंगी। पूरी स्कॉलरशिप मिली है, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, कब जाना था ये मुंबई? इसी सैटरडे को, अनुराधा के साथ PG है। अरे PG में क्यों? तेरी मानसी मौसी का खुद का घर है,
मुंबई में, तू वहीं रहेगी। पारुल तू आ जा। सो वेलकम टू मुंबई। इसी मौके पे एक लाइन तो बनती है, तू सच में बहुत बड़ी हो गई है। तो मेरी भी एक लाइन बनती है। क्या? कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा चल तू जल्दी से फ्रेश हो जा, दोनों मिलके डिनर करते हैं। ओके। लो आपकी ताई का ही फोन है, कहेंगे कि मुंबई आ गई और बताया तक नहीं। एक काम कर तू फ्रेश हो जा, मैं तब तक बात कर लेती हूँ। हाँ ताई। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ पहुंच गई है। मासी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रेडी हो गई? हाँ गुड। मेरा पहला दिन है आज कॉलेज का, मैं लेट हो रही हूँ तो मैं लेट नहीं होना चाहती, नहीं जल्दी जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, बैठो नाश्ता करो, नाश्ता किए बगैर नहीं जाओगे तुम। पर मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ना बेटा तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, अगर भूखा भेजूंगी तो तुम्हारी आई मुझे ताने मारेगी। बैठो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। मौसी मुझे अभी भूख भी नहीं है। चुपचाप नाश्ता कर लो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं ना बाद में कैंटीन से खा लूंगी। बाय, अभी मैं जा रही हूँ। बाय। हाय, ये मेरा मुंबई का नंबर है। वो आई मौसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 100 रुपए एक्स्ट्रा दो ना तो बिना आईडी का भी सिम कार्ड मिल जाता है। आई कॉलेज आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। उस कार्टर के पीछे। गुड मॉर्निंग सर। ये काज गंदा क्यों? सफाई नहीं की? और वो जुबान सिर्फ कस्टमर के आगे चला, वो भी माल बेचने के लिए। अरे कहा साफ करो, तुम यहाँ टाइम पास करने नहीं आती, ये भी तुम्हारे ड्यूटी का हिस्सा है, समझी? अब लीजिए, यहाँ तो नजारा ही अलग है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक बात हो रही थी कॉलेज की, स्कॉलरशिप की, तो पारुल एक ज्वेलरी शॉप में क्या कर रही थी? दरअसल अपने छोटे शहर की जिंदगी पारुल को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। उसे तो किसी भी तरह मुंबई पहुंचना था, पर उसके पापा बिना स्कॉलरशिप के उसे किसी भी हाल में बाहर भेजने को तैयार नहीं थे। तो उसने खुद ही एक फर्जी स्कॉलरशिप लेटर तैयार किया और खुद ही वो लेटर अपने ही घर पोस्ट कर दिया। 18,000 रुपए? जी सर 18,000। आप एडवांस दे देते तो मेरा काम हो जाएगा। देखो बारुल, तुम्हारी पगार है सिर्फ 12,000 रुपए, अभी पहला महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम्हें एडवांस 18,000 रुपए चाहिए। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मुझे कल तक ही उनका बिल भरना है। देखो तुम शायद मुझे गलत समझोगी, लेकिन मैं सही बात ही बोलूंगा। मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, धंधा दिल से नहीं दिमाग से होता है। सॉरी इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जाओ अगर अपना काम करो।
ये डालो इसको, डालो बैग में। उधर ही रुकना। डालो बैग में, डाल जल्दी। स्टेटमेंट लेना चाहती है। हमने शॉप का सीसीटीवी चेक किया। लूट के वक्त एक लड़के का चेहरे से गमछा हट गया था। उस वक्त उसका चेहरा तुम्हारे चेहरे के सामने था। कैसा दिखता था वो? स्केच बनवा सकती हो? और आई एम नॉट श्योर, मैं इतना घबरा गई थी कि दोबारा देखोगी तो पहचान लोगी। यस सर। खबरियों से पूछो, इस एरिया में ऐसे कौन से एक्टिव क्रिमिनल हैं जो ये कांड कर सकते हैं, और जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ, देखते हैं किसकी शामत आई है। Excuse me, ये क्लासरूम नंबर 14 कहाँ है? Thank you. The Companies Act 1956 is the most important piece of legislation that empowers the central government to regulate the formation, financing, functioning, and winding up of companies. Get up. मैं कोई मजाक कर रही हूँ जो तुम हंस रही हो? Sorry, ma'am. और लैपटॉप कहाँ है तुम्हारा? वो, ma'am. आज मैं जल्दी जल्दी में भूल गई, मेरा पहला दिन है ना। फर्स्ट डे है तो पढ़ाई नहीं करोगी? गो सिट नेक्स्ट टू अश्विनी और उसके लैपटॉप से नोट्स देखो। एंड यस, ब्रिंग द लैपटॉप टुमारो एंड डोंट कम टू द क्लास, ओके? मेरे साथ बेंच शेयर किया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। सॉरी, मेरा मतलब है कि हाय, मैं पारुल हूँ। पारुल, नाइस नेम। हाँ, बाय द वे आई एम ऐश। हाय। सो वेयर डू यू स्टे? कांदीवली, वहाँ मेरी मौसी का घर है, बट वैसे मैं सोलापुर से हूँ। सोलापुर, दैट मिर्ची वाला फार्म? नो, वो कोल्हापुर है।
अच्छा 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 ओके ओके सो ये सोलापुर क्या है इज इट विलेज नहीं नहीं सोलापुर इज अ स्मॉल टाउन मतलब वहाँ पे हमारी फैमिली की बहुत रेपुटेशन है ओके ओके सो व्हाट योर पेरेंट्स डू माय फादर इज अ बिजनेसमैन दैट्स नाइस ना सो मिस पारुल कल अपना लैपटॉप लेके आना अदरवाइज टीचर तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं करने देंगे यू नो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट ओके बाय The change you wish to be. Moshi? 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 पारुल का सपना तो सही था पर उसने रास्ता गलत पकड़ लिया यही उसकी जिंदगी का अहम मोड़ था अभी देर नहीं हुई थी अगर पारुल किसी तरह ये समझ जाती कि जिस रास्ते पर वो निकल पड़ी थी वहां से उसे यू टर्न लेने की जरूरत थी पर जब तक हमें अपने चुने हुए रास्ते पर कोई बड़ा रोड़ा नहीं मिलता हम भी कहां रुकते हैं तो पारुल भी अब अपने गलत चुने रास्ते पे आगे बढ़ती चली गई और अगर उसे पता होता कि इस रास्ते पर चलने का अंजाम इतना भयानक होगा तो वो जरूर यू टर्न ले ही लेती इधर खड़े रहो सब लोग ऊपर देखो 4 लाख की चोरी की है शर्माओ मत पहचानिए आप इनमें से नहीं सर इनमें से कोई भी नहीं था उन रॉबर्स में से इनमें से कोई भी नहीं था नहीं सर अरिशो यस लॉटरी लग गई तूने 4 लाख की चोरी करी और आई विटनेस ने तुझे पहचाना भी नहीं यहाँ पे ये बोलने आई है मैं जो बोलने आई हूँ वो तो मैं बोलूंगी पर पहले तू मुझे थैंक्स तो बोल थैंक्स क्या तू बोले तो तुझे गले लगा लेता हूँ बदबू आती है तेरे से पहले जाके कोई परफ्यूम की दुकान लूट देख अगर तुझे पुलिस से बचना है ना तो तूने जो 4 लाख की चोरी की है उसमें से 80,000 रुपए तू मुझे देगा 80,000 में मैं तेरी जैसी को उड़ा देता हूँ मुझे उड़ाएगा तू जब तू लूट करने आया था ना 0.8 बोर की पिस्तल लेकर आया था नकली थी वो उस खिलौने से मारेगा मुझे चलानी भी नहीं आती है तुझे तू है क्या चीज यार मेरे पापा सोलापुर के डीजी हैं ऐसे कई पिस्तौलों के साथ खेलकर बड़ी हुई हूँ मैं
अब बोल देता है या बनवा दूं तेरी चार्जशीट। कैसे कर पाई पारुल ऐसा? बचपन से ही अपराधियों को पकड़े जाते हुए देखने वाली लड़की आज एक अपराधी को पुलिस से साफ बचा के ले गई सिर्फ 80,000 रुपयों के लिए। हमें ये देखकर भले ही बेचैनी हो रही हो पर उस रात पारुल को बड़े ही चैन की नींद आई क्योंकि उसे वो पैसे मिल गए थे जिससे वो कॉलेज में बोले हुए झूठ को सच बना सकती थी। पर आज का यूथ कभी कभी पल भर की खुशी के लिए झूठ के दलदल में फंसता चला जाता है। अश्विनी, हाय, वांट टू शो यू समथिंग। मुझे भी कुछ दिखाना है। देख मेरे डैड ने मेरे लिए क्या लिया, उसके फीचर्स सेल्फी देख, इतने लाइक DSLR कैमरा को भी फेल करता है। तेरा दिमाग तो सही है, अपन दोबारा एक ही जगह चोरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अफजल? अरे तू पागल है क्या? मैं कौन सा जाके अलार्म बजा दूंगी? देख, ज्वेलरी चोरी करने से जो भी प्रॉफिट होगा ना वो हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे। नहीं यार, तू समझ नहीं रही है, वहां पे पुलिस का हाई अलर्ट होगा और अपन दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता। फोन कौन सा है तेरे पास? उनको मुझे एक एंगेजमेंट रिंग चाहिए थी। ठीक है, इसकी कीमत क्या होगी, कितने की है ये? 40,000। क्या आप, मैं इसकी एक फोटो खींच सकता हूँ? वो मुझे मेरी मंगेतर को दिखाना है ना, तो उसके लिए फोटो खींचनी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सेम डिजाइन लेकिन चांदी में। और इस पे सोने की प्लेट चढ़ाने का क्या चार्ज होगा? करीब करीब 3,000। कितने दिन लगेंगे? वही 2 दिन। इसे ढूंढ रही है तू? इतना महंगा लैपटॉप कहां से लाई तू? वो मौशी मेरी फ्रेंड का है ना, उससे बोरो किया। बोरो किया है तो इस पे तेरे नाम का पी क्यों लिखा है? वो मेरा नाम नहीं, प्रीति, प्रीति मेरी दोस्त है ना, मैंने आपको बताया था, मुझे प्रोजेक्ट बनाना था इसलिए मैंने उससे लिया। अच्छा, देख बहुत महंगी चीज है, काम खत्म होने के बाद वापस कर देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे अगर खराब हो गया तो। आप तो मौसी मुझे बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल समझती हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से रखूंगी। ठीक है, अंगूठी दिखा ली, ये वाली। गुड चॉइस। ये वाली दिखाइए। ओ माफ कीजिएगा, मेरे हाथ से गिरी। कोई बात नहीं, ये लीजिए।
मी पे यार. अरे कोई नहीं, मैं दे रही ना. अरे इट्स ओके, लेट मी. ओके माशी, आप ये क्या कर रही हो? आप मेरे कपड़े क्यों धो रही हो? अगर आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है और दो तीन दिन से काम वाली भी नहीं आई, सोचा तेरे भी कपड़े धो दूँ. वैसे भी तू कितना बिजी रहती है. मैं कर दूँगी, आप टॉवल धो दो. अरे तू मुझे मेरा काम करने दे, तू जा पढ़ाई पे ध्यान दे. माशी प्लीज, मैं कर दूँगी, आप जाओ ना. जाओ तुम जाओ. हेलो, कौन? इंश्योरेंस? बता रही हूँ ना, नहीं चाहिए, दैट्स इट. माला नहीं घेचे इंश्योरेंस. बाय सलाता, फोन ठेवा. थैंक्स अफसर, बच गई मैं. इस बार कौन सा माल लेके आया हो? नमस्ते सर. नमस्ते. आज यहाँ कैसे आना हुआ सर? आपने इस तरह की रिंग इमिटेशन, आई मीन सेम टू सेम नकली ज्वेलरी बनाई है? सर नहीं सर. तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो मैं अपनी बहन की चूड़ियां बनवाने आया था सर. अच्छा, इतना दूर खार कर क्यों? मेरे यहाँ की ज्वेलरी शॉप बंद हो गई क्या? वो सर
मेरी दोस्त ने बताया था कि यहाँ अच्छी मिलती है, इसलिए। आप कौन? मैं इनकी बहन हूँ, सलमा। हाँ सर, सतर्क रहिएगा। एक औरत असली ज्वेलरी के जगह नकली ज्वेलरी देके कई दुकान वालों को चूना लगा चुकी है। अगर ऐसी औरत कोई टकराती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। जरूर सर। अभी कुछ दिनों के लिए हमें काम बंद करना ही होगा। पुलिस हमें शिकारी कुत्तों की माफिक ढूंढ रही है, ऐसे में रिस्क लेना सही नहीं है। क्यों फालतू में टेंशन ले रहा है? हम किसी और एरिया में कोई और दुकान ढूंढ लेंगे। तो वो एडी है क्या? चोरी किया अंधेरी में और खारघर में पुलिस पहुंच गई। अभी तक तो अक्खा मुंबई के ज्वेलर्स को कॉन्टेक्ट कर लिया होगा उन्होंने। अगर हम दूसरी दुकान पे गए लूटने और पुलिस वहां पे पहुंच गई तो पार्ट लग जाएगी हमारी। हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए? अरे अगर हम सोने को बेच कर पैसा नहीं बना सकते तो सोना किस काम का सोना? ठीक है, अब हम सोना नहीं पैसे चुराएंगे। वो कैसा? सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, वही तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। पर ये सपने दूसरों की नकल नहीं, हमारे अपने होने चाहिए। दूसरों की नकल और शॉर्टकट्स की आदत पारुल को कहां ला चुकी थी, ये आपके सामने है। पारुल का लालच उसे क्या करवा रहा था? और विडंबना देखिए कि ईमानदारी की वर्दी पहनने वाले एक कांस्टेबल की बेटी अपराध के दलदल में घुसती चली गई। फिर जो हुआ वो इस केस का सबसे दुखद और भयानक पहलू था। हाँ वो निकल गया। पारुल तुम यहाँ? जी सर, वो एक्चुअली मेरा पर्स कहीं खो गया है, शायद फिर गिर गया है। आप मुझे आगे स्टेशन तक छोड़ देंगे क्या? ओके आ जाओ। जी थैंक यू। अरे अरे ज्यादा मत डाल, उसे सिर्फ बेहोश करना है, उसे मारना नहीं है। ज्यादा होता है तो होने दो। सर आज मेरा बर्थडे है। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आप मुंह तो मीठा कीजिए, प्लीज पेस्ट्री लीजिए। नहीं पारू, मैं मिठाई नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। सर पर ये ज्यादा मीठा नहीं है, आप थोड़ा सा ले सकते हैं। मैंने कहा ना मीठा मेरे लिए सख्त बना है, मैं नहीं ले सकता। पर सर थोड़ा सा मन रखने के लिए ले लीजिए। पारुल बात को समझा करो। आप प्लीज प्लीज थोड़ा सा तो ले लीजिए। मैंने कहा ना नहीं, सॉरी। खाना तो पड़ेगा। पारुल, पारुल, तू ठीक तो है ना? तू मर गया। ये मर नहीं सकता, उठो। पारुल टाइम नहीं है, चलना होगा। टाइम नहीं है हमारे पास। उठो। के ऑफिस चलना होगा आपने। नहीं। निकल, निकल। निकल यहां से, पुलिस तेरे पीछे होगी। चल।
कहाँ जा रही है तू? मौसी मेरा कॉलेज ट्रिप है, वो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सोचा आपको सुबह कॉल कर दूंगी। पर अचानक कॉलेज ट्रिप, सब ठीक तो है ना? मौसी तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? देख इतनी रात को तू कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? कहीं नहीं जाएगी। मौसी आप टेंशन मत लो, आप जाके सो जाओ ना। तू कहीं नहीं जाएगी मौसी। इतने सारे पैसे, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है ना? बता मुझे, बता। चुप। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सर ऐसा लगता है बजाज का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो अपने साथ ब्रीफकेस भर के कैश बाहर ले जा रहा था। मतलब ये किसी की सोची समझी साजिश है, जिसे मालूम था कि वो शॉप से कैश लेकर निकला है। या तो पारुल या तो प्रीतिका। सर प्रीतिका की सारी इन्फॉर्मेशन चेक की है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पारुल को? सर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। पारुल का फोन? सर उसका फोन तो कब का बंद है। मतलब बजाज की हत्या में पारुल का हाथ है तभी वो गायब है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो किस किस के साथ टच में थी। ऐसा कोई ना कोई हमें जरूर मिलेगा जो पारुल तक पहुँचाने में मदद करे हमारी। फोन नहीं लग रहा। अब साहब मैंने कुछ नहीं किया। अब पारुल की तरह अब मुझे नहीं पता। लाल गाड़ी साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। हेलो। हाँ बाबा। अरे पारुल ये तू क्या कर बैठी? तेरी मौसी का फोन आया था, कहाँ है तू? मैं ठीक हूँ बाबा। क्या हाँ ठीक है? एक पूरी लाइफ मैंने पुलिस का नौकरी की, बड़े बड़े क्रिमिनल से पाला पड़ा। देख पारुल मुझे सब पता है, मैंने कुछ गलत किया है। देख रो मत, रो मत बेटा, तू मुझे सारी बात सच सच बता दे, तभी तो तेरी मदद कर पाऊंगा मैं। अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता मामा, मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। गाना सुनाती थी वो सुना ना। अरे पर पारुल है किधर, किधर है बेटा? तो तू मुझे गाना सुनाती थी, प्लीज सुना ना। नन्ही सी दुनिया के नन्हे मुन्ने सपने दो कदमों में चलना है, पर सच को चुनना है। बोले कोशिश
पाई, कोई आकाश नहीं छू पाई। आई मैं सिर्फ अपने गुनाहों में धंसती चली गई। मुझे माफ कर दो, मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर पाई, मैंने तेरा सच्चा सपना तोड़ दिया। सॉरी आई। अरुण, अरुण बेटा, अरुण पारुल को मुंबई में पढ़ाई करनी थी। वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़कर अपना करियर बनाना चाहती थी, पर ये सच आज किसी के जहन में नहीं है। अब पारुल सिर्फ एक मुजरिम है। उसका वो सपना ध्वस्त हो चुका है जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, और उसका भविष्य अब जीवन भर की कैद है। अक्सर आगे बढ़ने की हड़बड़ाहट में हम गलत रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि वो रास्ता आसान होता है। पर सच तो यही है कि संघर्ष के सही रास्ते पर चलकर ही सपने साकार होते हैं, क्योंकि हर सपने की अपनी चुनौती होती है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। पारुल का हर अपराध उसके पिछले अपराध से जुड़ा था। आज का फायदा कल के लिए नुकसान ना बन जाए, ये बात युवा ध्यान में रखकर चले तो अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान।